क्या आप चाहते हैं कि आपका चेहरा मैं जमाने को दिखाऊं क्या? लेकिन जो आरोप आप पर लगे, आज उन आरोपों की बात होनी चाहिए कि उस महिला ने मुझ पर ये आरोप लगाए हैं। इतने बड़े आरोप और कोई संगीन आरोप। पहले शायद इस सीट पे 2-3 साल कंटिन्यूसली काम कर रही हैं। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश रची गई। मेरे शब्द से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो कोई ना कोई किसी ने तो देखा होगा, उनके पास भी कोई गवाह तो होगा। सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारियों पर मुझे पूरा विश्वास है, कानून पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम काम करते हैं एक ही ऑफिस में। आज मैं हूँ, कल को किसी दूसरे व्यक्ति पर भी ये आरोप लग सकते हैं। जैसे भी आदेश मेरे अधिकारियों द्वारा दिए जाएंगे, मुझे वो स्वीकार्य हूँ। मेरा यही कहना है कि जो मुझे मेरे पास एक कोई नेता आया था यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, या तो आप मुझे 10,000 रुपये दें। लगा रहे हैं आप, याद रखिए कैमरे के सामने आप, क्या इन आरोपों को साबित कर पाएंगे आप? हमारी मजबूरी है कि आज हम आपको एक चेहरे की आवाज़ तो सुना सकते हैं, एक चेहरे पर जो आरोप लगे, जो संगीन आरोप लगे, वो तो हम आपको सुना सकते हैं, लेकिन उस चेहरे का नाम पहचान हम जग जाहिर नहीं कर सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ। पांवटा साहिब में चंद रोज पहले एक आरोपों का बम फट गया। एक चेहरे पर कई तरह के आरोप लगे और कई तरह के आरोप दागे गए। आज स्टिंगबाज के कैमरे पर आज वो चेहरा मौजूद है। आज वो तमाम सवाल होंगे जो आप लोगों के हैं। आज हम उस चेहरे से हर सवाल करेंगे और आज वो स्टिंगबाज के जांच के दायरे में है। लेकिन एक बार फिर से, हम उस चेहरे की पहचान जग जाहिर नहीं कर रहे हैं, साथ ही जिस महिला ने ये आरोप लगाया उनकी पहचान भी हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिर एक चेहरे पर आरोप लगे क्यों, किस तरह के आरोप लगे, ये आप खुद सुनिएगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि मैं आपका चेहरा, आपका नाम नहीं बताने वाला हूँ, यानी आपकी पहचान को मैं पब्लिक डोमेन पे नहीं रख रहा हूँ। क्या आप सहमत है कि मैं आपकी पहचान को जग जाहिर ना करूँ? जी सर। क्या आप चाहते हैं कि आपका चेहरा मैं जमाने को दिखाऊँ क्या? नहीं सर। आपका नाम हम ले नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन जो आरोप आप पर लगे, आज उन आरोपों की बात होनी चाहिए। पहला आरोप ये कि एक महिला का आप शोषण कर रहे हैं। मैं इन शब्दों पे आगे नहीं जाऊंगा, आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात, आपके विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, ये आरोप था क्या? सर, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि उस महिला ने मुझ पर ये आरोप लगाए हैं, तो क्यों लगाए हैं ये मेरी समझ से भी बाहर है। क्योंकि जिस सीट पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं वहाँ पे इन चीज़ों के लिए, पहली बात तो मेरे पास वक्त ही नहीं है ऐसी फालतू की चीज़ों के लिए। आप अगर कभी वहाँ आएँ मेरे ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मेरे साथ और भी लेडी स्टाफ बैठा होता है वहाँ पर, और जो वकील लोग काम कराने आते हैं, कई लेडीज़ वकील काम कराने आती है, और भी लेडी स्टाफ वहाँ पे मेरे तहत में है। आप उनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि भाई मेरा नेचर कैसा है, मैंने कभी किसी से कोई लूज टॉक की हो तो आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं उनसे भी। उन्होंने मुझ पर ये आरोप क्यों लगाए हैं वो तो चलो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, अगर अभी बताना है तो अभी भी मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली मैं, ऐसा है कि मैं 2018 को यहाँ से पहले तहसील कार्यालय पांवटा में ही था, तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे कोई पारिवारिक रीजन थे जिस कारण मैं यहाँ से ट्रांसफ़र अपनी करवा ली थी। फिर अब जो मैं वापस वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया 2018 के बाद, अभी पिछले साल ही मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर ट्रांसफ़र होके, तो जिस महिला ने ये मुझ पर आरोप लगाए हैं
वो शायद उन्होंने इसलिए लगाए क्योंकि वो पहले इसी सीट पर कार्यरत थी, तो शायद उनको सीट का कोई लोभ होगा। मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन थी नहीं इस सीट पे आने की, मेरे तो ट्रांसफ़र सरकार ने कराई है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी नहीं कि मैं इस सीट पर आऊँ, तो शायद उन्होंने इसको व्यक्तिगत तौर पे लिया हो उस महिला साहब। कोई इतने बड़े आरोप और कोई संगीन आरोप कैसे लगा पाएगा? इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो क्या होगा? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो जो लेडीज़ है वो यहाँ पहले शायद इस सीट पे 2-3 साल कंटिन्यूसली काम कर रही थी, तो जब उसके ट्रांसफ़र यहाँ से हुए, मेरा उनकी जगह स्थानांतरण हुआ, तो उस समय भी उन्होंने क्या कहते हैं किसी पॉलिटिकल नेता के थ्रू अपनी ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुकवा नहीं पाए, तो उनको यहाँ से वो जाना पड़ा, तो मेरे यहाँ ऑर्डर हो गए। तो लेकिन उन्होंने किसी नेता से मेरे ऑर्डर विद इन वन मंथ मेरे ऑर्डर कैंसिल करवा दिए थे, जब मेरे ऑर्डर हुए थे यहाँ पे, तो किसी नेता को बोलकर उन्होंने मेरे ऑर्डर वापस कमरों के करवा दिए थे, तो मुझे उस वजह से स्टे लेना पड़ा, मुझे उस वजह से यहाँ स्टे लेना पड़ा, तो मैंने स्टे लिया तो उनको यहाँ से जाना पड़ा कमरों, तो उन्होंने शायद इसको व्यक्तिगत तौर पे ले लिया, तो फिर ये जब वो यहाँ से वापस कमरों गए, तो फिर उन्होंने 2-3 महीने के बाद फिर उन्होंने वापस कमरों किसी नेता से मिलके, पता नहीं वो जो भी होगा नेता, मैं वो आपको बाद में भी बता दूंगा, तो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र वापस यहाँ पहुँचा करवा ली, तो शायद वो इस सीट पे आना चाहते हैं, उनको शायद पता नहीं क्या मोटिव होगा इस सीट पे आने का, वो तो मैं नहीं बता सकता, तो वो शायद इसको पर्सनल ले लिया उन्होंने इस चीज़ को कि भाई मैं इस सीट पे आना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ और की, जो मुझे मेरे पास एक कोई नेता आया था यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, या तो आप मुझे 10,000 रुपये दें या मैं आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र करा रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अगर तो मेरी कोई कंप्लेंट, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, याद रखिए कैमरे के सामने आप, क्या इन आरोपों को साबित कर पाएंगे आप? जी सर, मेरे पास उसके भी तथ्य हैं जो मैं समय आने पर सही जगह पर मैं आपको पेश कर दूँगा, क्योंकि उस नेता ने मुझे ये कहा कि भाई इस जो औरत ने हैं जिन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है कि आप मेरे ऑर्डर इस सीट के लिए करा दें, तो निशान कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर आरोपों की बरसात कर दी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप दाग दिए और आप अपने बचाव में आप आरोप दाग रहे हैं कि हाँ भैया मुझ पर आरोप लगे हैं, बदले में मैं भी आरोप लगा देता हूँ, ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं सर, ये मामला उससे पहले का है, वो व्यक्ति जो था जिसको उन्होंने पैसे ऑफ़र किए थे वो मेरे पास आया, उसने मुझसे बात की कि भाई इस व्यक्ति ने, इस औरत ने मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र किया है, या तो आप मुझे पैसे दें या मैं आपके ऑर्डर कराता हूँ। तो मैंने उस व्यक्ति की जो पैसे मांग रहा था मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वो मैंने अपने पास रख ली, तो उसके बाद जब इस औरत को लगा कि भाई मेरे ऑर्डर तो हुए नहीं, फिर भी मेरा काम नहीं बना, तो उसके बाद इसने शायद फ्रस्ट्रेशन में, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं ऑन कैमरा, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश रची गई, मेरे शब्द सही है क्या? जी सर, ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ सर, कि जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे और भी लेडी स्टाफ है, मेरे ऑफिस में है, मेरे साथ ही साथ भी बैठता है, और भी कई लेडी स्टाफ है, और भी कई लेडीज़ आती हैं, कैमराज वहाँ लगे हुए हैं, मैंने अगर कभी भी मेरे ख़िलाफ़ कोई भी अगर कोई गवाही दे देता है लेडीज़ कि भाई इसने, इस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई मिसबिहेव किया है, कोई भी मेरे ऑफिस में कोई भी लेडीज़ या कोई बाहर का भी लेडीज़, तो मैं, मेरे खिलाफ़ जो भी एजेंसी जाँच करना चाहती है, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ
चाहे कोई कमेटी, चाहे कोई सीबीआई जांच, चाहे कोई पुलिस, मेरे खिलाफ बिल्कुल बेझिझक होके वो जांच कर सकती है, क्योंकि मुझे अपना पता है कि मेरी कोई ऐसी आरोप है। आप जांच करवाने क्या बात कर रहे हैं? आरोप है कि आप उनके घर तक पहुंचे हैं, जहां वो महिला रहती है, आप उनके घर तक पहुंचे हैं। क्या इस सवाल का जवाब भी आप देंगे? और सवाल का जवाब देने के लिए क्या आप अपना जिगरा जो है इतना ही खुला रखेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ के लिए भी बोलता हूँ सर, अगर कोई ऐसा कोई साक्ष्य है उनके पास कि मेरी कोई ऑडियो है, वीडियो है, या मेरी कोई फ़ोन कॉल है, या चैटिंग है, या कभी भी किसी व्यक्ति ने मुझे उनके घर में देखा है। एक चीज़ मैं आपको से पूछना चाहूँगा संजीव जी, उस महिला ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि भाई मैंने उनका यौन उत्पीड़न किया है, अगर मैंने उनका कोई यौन उत्पीड़न किया है तो अपना मेडिकल करवा ले, मेरा भी मेडिकल करवा सकती हैं वो, कोई ना कोई प्रूफ तो उनके पास होगा। क्या इस तरह की शिकायत उन्होंने दी है क्या? तो मुझे पता लगा है, जैसा कि मीडिया में खबर छपी है, तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा यौन उत्पीड़न हुआ है। तो मैं तो उसको लेके कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है, अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो कोई ना कोई किसी ने तो देखा होगा, उनके पास भी कोई गवाह तो होगा। ये सरासर मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, और सिर्फ इतना है कि वो जो लेडी है वो किस प्रेशर में कर रही है, किस मानसिक संतुलन में कर रही है, या किसी के बहकावे में आके कर रही है, वो वही बता सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि मुझे फंसाने की साजिश है, मुझे सीट से हटाने की साजिश है, मुझे सीट का कोई लालच नहीं है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी कहा है सर कि मुझे आप अगर इस मामले की न्यायिक जांच होती है, क्योंकि मामला बड़ा है, क्या आप उस जांच से गुजरने के लिए तैयार है क्या? जी सर बिल्कुल, मैं किसी भी प्रकार की जो जांच है उसके लिए तैयार हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई भी साक्षी मिलता है तो आप बेझिझक होकर मैं किसी भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हूँ, चाहे सीबीआई जांच कराई जाए, चाहे जिस भी एजेंसी से मेरी जांच मेरे उच्च अधिकारियों भी अगर करते हैं तो मैं उस जांच के लिए समक्ष बैठने को तैयार हूँ उस जांच के लिए। मेरा एक सवाल है, एक विभाग, एक छत, एक यूनिट और इतना बड़ा मनमुटाव, क्या कभी आप लोगों ने ऑन टेबल बात करने की कोशिश नहीं की कि आप कह रहे कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, साजिश रची जा रही थी, क्या एक समाधान निकालने की कोशिश नहीं की कि आप लोगों ने? सर इससे पहले उसने जो ये आरोप लगाए हैं, अब उसकी मंशा क्या है वो तो जो मुझे समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद वो सीट के लिए ऐसा कर रही है, वो इस सीट पे आना चाहती है। मेरा उसको कहना यही है कि अगर आप सीट पे आना चाहते हैं तो आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात करें, वो अफसर ने देखना होता है कि ऑफिस में किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, वो ऑफिशियल ने अफसर ने देखना होता है। अब वो उस चीज़ को पर्सनली लेके ना मुझे टारगेट कर रहे हैं कि ये आदमी किसी तरह हराश हो, किसी तरह इसको परेशान करूं, ये सीट से हटे ये, क्योंकि मेरे पास उसके साक्ष्य हैं जो ये किसी भी नेता के पास जाती है वो कोशिश करा रही है कि भी मेरे किसी भी तरह उस सीट पे ऑर्डर हों, लेकिन उसकी वो शायद वो मंशा पूरी नहीं हो रही है, तो शायद वो इसीलिए मुझ पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा है वहाँ पे। और एक चीज़ सर, और जिस तरीके के वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे आप कभी आना, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई लोग ना हो, हमेशा वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। ऐसे में क्या संभव है कि कोई आदमी किसी महिला कर्मचारी को, पहली बात तो ये कि मेरा कमरा अलग है उनका कमरा अलग है, कि कोई इस तरह का कोई गंदा इशारा करे या कोई इस तरह का मिसबिहेव करे किसी अपने सह कर्मचारी से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे सर। मेरा सवाल एक बड़ा सीधा सा है, एक आरोप लग गया, शिकायतें हो गई, अब कहा जा रहा है कि जल्द जो है इस मसले को लेकर जांच भी बैठेगी, क्या ये बंद कमरे की जो लड़ाई थी, क्या अभी संभावना है कि जो आग लगी है ये शांत हो सकती है,
ताकि कम से कम जो विभाग है उसकी छवि धूमिल ना हो। सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारियों पर मुझे पूरा विश्वास है, कानून पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि उस सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, सच को कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे अपने उच्च अधिकारियों पे भी पूरा विश्वास है कि भाई वो फेयर काम करेंगे, झूठ का साथ वो भी नहीं देंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब जांच बैठेगी, जांच होगी तो निष्पक्ष जांच होगी। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई निकलता है, कोई भी अगर मैं झूठा साबित होता हूँ, तो मैं बेझिझक आपके कैमरे पे कह रहा हूँ सर, मुझे कोई भी सजा है, हो जाए, मुझे मंजूर है। जब आपको पता लगा कि आपके खिलाफ़ इस तरह की शिकायत दी गई है और इस शिकायत में कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए, क्या तकलीफ हुई क्या आपको? सर, आपको पता ही है, दुख तो होता ही है जब इस तरह के कोई आरोप लगते हैं किसी भी व्यक्ति पर, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है। आपको पता है कि अगर सच्चा होना आरोप, तो आदमी को गिल्टी होती है, पता उसको भी अपने आप को गिल्टी होती है कि भाई हाँ बिल्कुल परले बंदे ने जिसने भी आरोप लगाए वो सही लगाए। अगर इस तरह के कोई झूठे आरोप लगाता है ना, तो मन में थोड़ा दुख होता है। और दूसरी बात ये सर कि हम काम करते हैं एक ही ऑफिस में, आज मैं हूँ, कल को किसी दूसरे व्यक्ति पर भी ये आरोप लग सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि आज तो मैं कटघरे में खड़ा हूँ, कल को मेरा कोई सहकर्मचारी भी खड़ा हो सकता है कटघरे। एक कुर्सी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो सकती है? मैं इस पूरे मसले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उलझता जा रहा हूँ। एक कुर्सी के लिए इतनी बड़ी साजिश, आरोप सही तो नहीं लग रहा है ना आपका? सर, अब उस औरत का तो मैं बता नहीं सकता कि भाई वो क्यों इस हद तक वो क्यों जा रही है उस सीट के लिए। अब ऐसा उस सीट में, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कभी आज तक, मैं तो जनरली मैंने काम किया है वहाँ पे, लेकिन उस औरत ने मुझे उस सीट से हटाने के लिए अगर मुझ पे ऐसे आरोप लगाए। अगर आप उन्हें उस सीट का लालच है ना, तो उस सीट का लालच तो आपको भी होगा। नहीं सर, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी कहा है कि जब मेरे ऑर्डर हुए थे तब भी मैंने कहा था कि मुझे इस सीट का लालच नहीं है, मुझे आप जहाँ मर्जी जिस सीट पे बिठा दो मैं वहाँ काम करूँगा। क्योंकि ये काम होता है अफसरों का, ऑफिशियल का होता है कि भाई आपने किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। जब मेरे यहाँ ऑर्डर हुए थे तो मुझे नायब तहसीलदार की रीडर बनाया गया था, मैंने वहाँ काम किया, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। अगर ये आरोप उन्होंने लगाए हैं अगर वो सच्चे साबित हुए तब आप क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर ये सच्चे साबित होते तो मेरे खिलाफ आप बिल्कुल बेझिझक होकर FIR दे दो। अगला सवाल, अगर ये आरोप जो है झूठे साबित होते हैं, आपका अगला कदम क्या होगा? अगर ये झूठे, मुझे विश्वास है ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, उसने मुझ पर ये जो आरोप लगाए हैं उसकी क्या इंटेंशन है वो भी चलो जांच। आपका कदम क्या होगा या जो आपका विभाग कहेगा वही आपका कदम होगा? जो हमारा विभाग करेगा, मुझे अपने विभाग पर पूरा विश्वास है, जैसे भी आदेश मेरे अधिकारियों द्वारा दिए जाएंगे मुझे वो स्वीकार्य होंगे, मेरा यही कहना है। क्योंकि मैं अपने उच्च अधिकारियों से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने तो जॉब करनी है, जैसा भी मेरे उच्च अधिकारी करेंगे वो सही करेंगे, न्याय करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है सर। अब उस जिस औरत ने मुझ पर ये आरोप लगाए हैं उसकी अपनी मानसिकता है, मेरी अपनी मानसिकता है, मेरा अपना काम करने का तरीका है, उसका अपना काम करने का तरीका है, तो वो तो मैं बदल नहीं सकता उसके काम करने का तरीका। अब उसका वो जाने वो क्यों उस सीट के लिए इतना फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों रह रहे कि की सवाल आता है ना, लड़ाई बढ़ेगी तो बढ़ती चली जाएगी, क्या इस लड़ाई का अंत होगा? क्या अंत होगा सर,
क्यों नहीं होगा, उच्च अधिकारियों द्वारा जो जांच की जाएगी उसके बाद हमारी ओर से कोई वो नहीं है, समाप्त हो जाएगा मैटर। अब उसका मैं बता नहीं सकता, अगर कोई निजी उसका कोई द्वेष होगा वो उसका वो कह सकती है, मेरे मन में तो ऐसा कोई उसके प्रति द्वेष है नहीं। सिर्फ ये है कि भाई उसने मुझ पर जो ये आरोप लगाए हैं बहुत गलत लगाए हैं और बिल्कुल तथ्यों बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके की कभी भी किसी, मुझ पर तो आपने लगा दिए झूठे आरोप, आपकी भी जॉब लंबी है मेरी भी जॉब बड़ी लंबी है, आप की इस तरीके के झूठे आरोप और किसी कर्मचारी पर ना लगाएं। मैं अपने अधिकारियों से भी यही चाहूँगा कि भाई आप इसमें कोई कार्रवाई करें ताकि इस तरीके का कोई आरोप, मिथ्या आरोप किसी और अन्य कर्मचारी पर ना लगें। हर तरह की जांच से गुजरने के लिए आप तैयार हैं? पहले भी ये सवाल मैंने किया था, एक बार फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या हर तरह की जांच से गुजरने के लिए आप तैयार रहेंगे क्या? बिल्कुल सर, मैं हर तरह की जांच से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, वहाँ पे मुझे विश्वास है और भी स्टाफ है वहाँ पे, और लोगों के भी बयान लिए जाएँ, लेडी स्टाफ जो वहाँ आता है एडवोकेट का जो लेडी स्टाफ आता है और भी ऑफिस में जो लेडी स्टाफ है उनके भी बयान लिए जाएँ। अगर मेरी मैंने कभी अगर मेरी आदत कोई ऐसी ख़राब है, और दूसरी बात सर आप अंदाज़ा लगाइए अगर मैंने किसी से छेड़खानी करनी होगी तो मेरी इसका मतलब हैबिचुअल होऊंगा मैं उस चीज़ का, किसी एक आदमी से थोड़ी ना करूंगा छेड़खानी, और भी तो कहीं जगह हो सकती। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे आप जहां मैं रहता हूं वहां आप मेरे पड़ोस में जाएं, कहीं भी मेरे बारे में किसी से भी पता कर लें। अगर मैंने लोगों को एक मौके की तलाश भी तो होती है ना, ये तो कोई बिल्कुल क्लियर नहीं है ना, लोग मौके की तलाश में भी तो होते हैं। कैसे सर? मतलब कहने का मकसद ये है कि ऐसा तो नहीं कि आपको मौका मिला और तब आपने इस तरह की चीज़ों को दोहराने की कोशिश की हो, सवाल है। ऐसा तो नहीं है जैसा आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है कि एक मौके की तलाश में आप थे, सवाल है। नहीं सर, आप सर संजीव सर आप एक चीज़ समझिए कि आप मेरे ऑफिस में आइए, और भी तो स्टाफ होगा मेरे ऑफिस में, लेडीज स्टाफ और भी तो है, किसी ना किसी से तो मैंने कभी बदतमीजी की होगी, ऐसा मतलब क्या है कि भाई उसी औरत ने मुझ पर ये ब्लेम लगाया है, और भी तो है वहाँ पे लेडीज स्टाफ और भी है, अगर मैंने कोई इस तरीके का मिसकंडक्ट किया है तो किसी और के साथ भी तो किया होगा कभी। मेरे को यहाँ एक साल हो गई है अभी आके कमरों से, उससे पहले भी मैं जब यहाँ था 2018 से पहले तब भी यहाँ लेडी स्टाफ था, तो किसी ना किसी से तो कभी लूज टॉक किया होगा या कोई इस तरीके की कोई बदतमीजी की होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए जिस महिला ने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो इसी आधार पर लगाए हैं, क्योंकि और कोई मैटर नहीं है, हमारा ट्रांसफ़र मेरा उसका मेरा जो स्थानांतरण है उसकी जगह पर हो गया, अब उसको यहाँ से जाना पड़ा, इस सीट से उसको जाना पड़ा, वो दो साल से यहाँ दो तीन साल से इसी सीट पे काम कर रही थी, तो उसने उसको इस चीज़ को शायद पर्सनली ले लिया है, तो इसलिए उसने ये मुझ पर मिथ्या आरोप लगाए हैं। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने उस चेहरे को देखा जिन पर कई तरह के संगीन आरोप एक महिला द्वारा लगाए गए, आपने उस चेहरे की आधी अधूरी पहचान को देखा जिन पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ जो व्यवहार है इन्हें हम शब्दों में नहीं बता सकते वो किया जा रहा है, लेकिन उस चेहरे ने साफ कर दिया कि वो हर तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे इस मामले की जांच किसी भी अथॉरिटी से कराई जाए, चाहे इस मामले की जांच किसी भी एजेंसी से कराई जाए, हर तरह की जांच से गुजरने के लिए वो तैयार है। वहीं स्टिंगबाज ने एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते महिला से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी कहा कि आप भी आइए, सच जमाने को बताइए, आप भी कैमरे पर आइए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया, साफ कर दिया कि हाँ उन्हें जो जांच आगे होनी है उन्हें उस जांच पर भरोसा है। संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज़।